दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्रश वाला डोसा और साथ में डोसे का मसाला और मूंगफली की चटनी भी बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और रेसिपी जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये डोसा बनाना बहुत आसान है, बहुत क्रिस्पी बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप मूंगफली। मूंगफली हमने डोसा और चटनी दोनों के लिए ली है, अगर केवल डोसा बनाना हो तो 1/2 कप मूंगफली लीजिएगा। मूंगफली को हमने 4 से 5 मिनट तक भून ली है और ये देखिए ये अच्छे से भून गए हैं, तो हम इसमें से आधी मूंगफली को अलग निकाल लेंगे और इसी पैन में हम साबूदाने को रोस्ट करके ले लेंगे। तो जिस कटोरी से हमने मूंगफली ली थी उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने साबूदाना ली है। इनको भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। हल्का भून जाने पर इनको हम प्लेट में निकालेंगे और जब तक ये ठंडा होंगे तब तक हम डोसे का मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए पैन में हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। जीरा चटक गया है तो 1 चम्मच हरी मिर्च और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। इनको हल्का भून लेंगे। अब हमने ये ली है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, इनको हमने तोड़ कर ले ली है। 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक, जो भी आप व्रत में खाते हो। इनको अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट तक भून लेंगे। और अब हम इसमें 5 से 6 करी पत्ते डाल देंगे, इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो करी पत्तों को जीरा भूनते समय भूनकर ले लीजिएगा। इनको हमने अच्छे से मिला लिया है, डोसे का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जार ली है, इसमें हम ले रहे हैं 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक के टुकड़े और ये हमने जो मूँगफली अलग रखी थी ना इनके छिलके हमने थोड़े निकाल ली है। 1 चम्मच हम इसमें नारियल का बुरादा डाल रहे हैं। ये ना हो दोस्तों तो आप सिर्फ मूंगफली से भी ये चटनी बना सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हमने इसमें सेंधा नमक डाला है और थोड़ा पानी डालकर हम इनको पीस लेंगे। इस तरह से पीसकर हमने चटनी को बॉल में निकाल ली है और अब तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच तेल हमने गर्म किया है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और थोड़े से करी पत्ते। और ये लीजिए हमारी ब्रश वाली चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए फटाफट से डोसा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मूंगफली और साबूदाने को हमने मिक्सर जार में डालकर पीस ली है। इसमें हम ले रहे हैं 2 कच्चे आलू, आलूओं को हमने छोटा छोटा काट लिया है। 2 हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक के टुकड़े और थोड़ा सा पानी डालकर हम इनको पीस लेंगे। और इस पेस्ट को हमें एक बड़े बाउल में निकाल लेना है। जार में लगे पेस्ट में हमने 1 कप पानी डालकर ले ली है। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे जो व्रत में खाते हैं, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए साबूदाने और मूंगफली को हल्का दरदरा करके लेना है, बहुत बारीक नहीं करना है। डोसे में बाइंडिंग अच्छा आए और डोसा कुरकुरा बने तो इसके लिए हमने ये ली है 1/4 कप समा के चावल का आटा। आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर ली है और इसमें हमने 1/2 कप पानी और डाला है और देखिए ये बैटर इस तरह का पतला होना चाहिए। अब डोसा बनाने के लिए पैन या तवे पर हम डालेंगे 2 से 3 बूंद तेल। तेल की जगह घी भी ले सकते हैं और इस टाइम गैस का फ्लेम हाई रखिएगा जिससे पैन या तवा अच्छे से गर्म हो जाए। तेल को टिश्यू पेपर या कपड़े से अच्छे से फैलाने के बाद हम इसमें यह बैटर डाल देंगे। तो बस डोसे के बैटर को हमें कलछी से इस तरह से गिराना है, ये अपने आप पैन में फैल जाएंगे। और थोड़ी देर बाद देखिए ये ऊपर से हल्के ड्राई हो गए हैं, तो इनके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे इनमें जालियाँ पड़ने लगेंगी। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं और डोसा नीचे से हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी हम इसे क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो चलिए अब हम इन्हें पलट कर देख लेते हैं। ये देखिए इनमें कितनी अच्छी जालियाँ पड़ गई हैं, दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक चुका है और ये हमारा डोसा बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाना बहुत ईजी है और आप इस डोसे को बिना व्रत के भी बनाकर खाना चाहेंगे, ये इतने टेस्टी होते हैं। अब हमें पैन में तेल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
बस तवे को हल्का सा पोंछ लीजिएगा और उसके बाद बैटर को अच्छे से चला लीजिएगा। इस तरह से हमारा एक एक डोसा एकदम परफेक्ट बनेगा। और दोस्तों, अगर इसे पलटने में दिक्कत आ रही हो तो थोड़ी देर इस डोसे को और सेक लीजिएगा, ये आसानी से निकल जाएंगे। इस तरह से हमने ये डोसे बनाकर तैयार कर ली है। इस डोसे को बनाना बहुत आसान है दोस्तों, इस नवरात्रि आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो रोज़ नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में घंटी की बटन आएगी, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।